हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। हरियाणा के लिपिक अभी स्ट्राइक पे हैं, आंदोलन पे हैं। और देखिएगा दोस्तों, इसके बारे में बात कही जा रही है कि जो हरियाणा की गवर्नमेंट है वो लिपिकों की बात नहीं सुन रही है। उनको महीने भर से ज़्यादा हो गए हैं स्ट्राइक पे। तो देखिएगा, मैं आपको अभी तक की रूपरेखा बता दूँ। जो हरियाणा के क्लरिकल कैडर अभी स्ट्राइक पे हैं, उनसे सरकार की तरफ से वार्ता की गई है। उनको 2 बार बेसिक हाइक भी किया गया है, मतलब 19,900 जो सेंट्रल के जैसा है उतना भी बेसिक हरियाणा गवर्नमेंट के क्लर्क्स का है। और इनकी विसंगति बनी रही है, ये मांग कर रहे हैं 35,400। अगर आप मध्य प्रदेश के कंपेरिजन में देखें तो लगभग 3,600 ग्रेड पे के लगभग वो मांग कर रहे हैं। और बाय द वे 19,900 से 35,400 के अगर वो उछाल चाह रहे हैं, हाइक चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट 2 बार उनसे बात की है, जुलाई में बात की, जो उसके बाद अभी रिसेंट में ही जो माननीय सीएम है ऑफ हरियाणा, उन्होंने भी एक बार और हाइक करने की बात कही। तो 21,700 पहली बार हाइक करने पर सहमति बनी। दूसरी बार गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपकी जो बेसिक सैलरी है हम 25,000 अप्रॉक्स कर देंगे बेसिक सैलरी, उसमें जो आपका डीए वगैरह रहेगा वो सब बढ़ेगा। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बेसिक, जो अगर इंटर पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाएगा हरियाणा में क्लरिकल कैडर के तौर पर, तो उसको लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये उसको बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब 7 से 8 हज़ार रुपये एंट्री पे उन्होंने सैलरी हाइक का आश्वासन दिया है, एक ऑफर भी दिया है, लेकिन वहाँ के जो क्लर्क्स हैं उन्हीं मान रहे हैं, बोलने का हमें 35,400 ही चाहिए। तो जो हरियाणा में अभी प्रोटेस्ट हुआ क्लरिकल कैडर का, लिपिक का, अभी 1 महीने से लगभग ज़्यादा हो रहे हैं, तो बेनतीजा नहीं रहा है। क्लरिकल कैडर को ऑफर मिल चुका है सरकार की तरफ से, कई बार मिला है। पहली बार 21,700 का मिला है, मतलब लगभग लगभग 2,000 का बेनिफिट। दूसरी बार अब पहले की अपेक्षा मतलब लगभग 7 से 8 हज़ार का बेनिफिट दिया गया।